मैं तो कहती हूँ दोस्तों, आज हम सब जो लोअर बीसीएस 2019 आया है उसके विषय क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके पहले जो लोअर बीसीएस के पद होते थे इस पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आयोजित करता था, किंतु उसके बाद इसे अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत रखा गया और इस बार 2019 का जो लोअर बीसीएस है यह अधीनस्थ लोक सेवा आयोग कराएगा। दोस्तों, पेपर कैसा होगा इसके लिए हम बता दें, पेपर दो चरणों में होने की संभावना है। हाँ, लेकिन इस बार इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, किंतु जब इसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करता था तो 50 नंबर के इंटरव्यू के मार्क्स थे, लेकिन इस बार इंटरव्यू इसमें से पूरी तरह से हटा दिया गया है। हाँ, परीक्षा दो चरणों में हो सकती है, उसके लिए आयोग स्वतंत्र है। स्टार बना के उसने यह बात लिखी है कि अगर उसके लिए कोई संभावना होती है तो दो स्तरीय परीक्षाएं कराएगी, अन्यथा एक ही परीक्षा के बाद वह नियुक्ति करा सकती है। मतलब यह कहना अभी पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि पीटी और मुख्य दो परीक्षा होंगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता, किंतु अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हम यह अनुमान लगा सकते हैं या मान सकते हैं कि परीक्षा दो स्तरीय होगी, पीटी फिर मेंस अथवा मुख्य परीक्षाएं होंगी। अब आते हैं पीटी परीक्षाएं कब तक होंगी, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, आपने विज्ञापन पढ़ लिया होगा, डेट भी आपको पता हो गया होगा। अब परीक्षा की तिथि, परीक्षा जो होनी है, देखिए एक महीने के बाद चुनाव होगा, चुनाव के समय परीक्षा होना मुश्किल है, तो जहां तक हम कयास लगा सकते हैं परीक्षा मई या जून के आसपास आयोजित की जा सकती है। परीक्षा तिथि अभी आयोग ने घोषित नहीं किया है, लेकिन हम ये मई से जून हमें सोच सकते हैं कि मई से जून हो सकता है परीक्षा आयोजित की जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चर्चा में कि इस परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, अभी तक इसके पहले जाते हैं, इसके पहले इसमें 150 प्रश्न हुआ करते थे पीटी एग्जाम में, 150 प्रश्न हुआ करते थे। यह जो प्रश्न होते थे, यह अगर आप समीक्षा अधिकारी की बात करें तो उसकी पैटर्न पे यह प्रश्न हुआ करते थे। इसके लिए सीसेट अलग से, सीसेट जानते हैं अपना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक, तो वह नहीं होता था, केवल एक पेपर होता था जिसमें जनरल स्टडी जिसे सामान्य अध्ययन कहते हैं, समसामयिकी, कृषि, 15 से 20 नंबर में मैथ, रीजनिंग मिला के होते थे, और समसामयिकी के और पर्यावरण, इन सभी और हिंदी, इनको मिलाकर 150 प्रश्न आते थे। उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित किया थी, जो परीक्षा उत्तीर्ण करते थे, और जब पीटी होती है उसके जो नंबर या मार्क्स होते हैं वो मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते। अब आते हैं प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे और आपको किन किताबों से पढ़ने हैं या कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट होगी। तो सबसे बड़ी बात है ये, मैं कहने का हकदार कैसे होगी कौन सी किताब बेहतर होगी। हाँ, फिर मैं छोटा सा अपना पहले परिचय देता हूँ, मैं दुर्गेश जायसवाल, मैंने 2017-18 का UPSC IAS फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने पीटी क्लियर किया है, मेंस दिया है, मेंस में मैंने अच्छे अंक नहीं अर्जित कर पाया, इसलिए मुझे इंटरव्यू के लिए मैं शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाया, जबकि उसके पहले मैंने MPPSC पीटी भी मैंने क्लियर किया, मेंस मुख्य परीक्षा भी मैंने क्लियर किया, और आपके संयोग से मुझे साक्षात्कार देने का भी एक छोटा सा पहली बार में अनुभव प्राप्त है, एक छोटा सा अनुभव। उसके बाद मैं इस क्षेत्र में आ गया, अभी मुझे मौका नहीं मिल पाया, फिर अब फिर से मेरी रेस शुरू होती है अपने पुराने मंजिल की तरफ, जिस मंजिल के सहारे मैं जिया करता था, तो अब मैं उस पे आ गया हूँ, और मेरे लगभग सभी मित्र जो मेरे साथ रहते थे, कुछ दो तीन को छोड़ के, सब अपने अपने पदों पर विराजमान है, और यूपी के बहुत सारे ऐसे जनपद में जो अपने पद से इस समाज का सहयोग कर रहे हैं एक प्रशासक बनकर। तो आप और हम भी प्रयास करेंगे एक प्रशासक बनने के लिए, लेकिन एक छोटा सा पहले विश्लेषण लेते हैं। तो जो ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इसका मेन मकसद ये होता है कि इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो देखने में तो छोटा होता है, लेकिन जो प्रश्न लाए जाते हैं वो काफी गहराइयों से और बहुत दूर से चुनकर लाए जाते हैं। इनकी तैयारी के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहले उनको हम लोग समझ लेते हैं। 150 प्रश्नों का जो ये पेपर होता है उसमें 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग पढ़ने वाले सभी अभ्यर्थी कर लेते हैं। पढ़ने वाले का मतलब ये हो गया कि अगर इस 672 पद के लिए 15 लाख फॉर्म भरे गए तो 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 70 से ज्यादा नंबर अर्जित करके लाएंगे, तो 70 नंबर लगभग सब करके लाते हैं, सभी अभ्यर्थी करके लाते हैं।
क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करेंगे तो हर हाल में सत्ता तक पहुंच जाएंगे, मतलब पेपर आयोग ऐसे बनाता है। अब और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप जब भी पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रतिवर्ष रिपीट किए जाते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो अगर आप ये 20 नंबर हम लोग तैयार कर लेते हैं या 20 नंबर, तो आप पहुंच जाते हैं 90 प्रश्नों पर। कितने पे? 90 पहुंच जाते हैं। अब आता है समसामयिकी, 35 नंबर के लगभग, 25 से 35 नंबर के समसामयिकी आते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि उस 35 में से या 30 में से हमने अगर 20 मार्क अर्जित किए तो कितने पहुंच गए हम लोग? अब 110 पर। कितना पहुंच गया? 110 पर। फिर अब और आगे बढ़ते हैं, अभी भी आपको लगभग 20 से 30 नंबर के प्रश्न और आने हैं, जैसे जो कृषि विज्ञान है, सामान्य अध्ययन है और अन्य जो और प्रश्न है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते, जैसे जनसंख्या का प्रश्न उठा लिया, तो उस आधार पर जो कड़े प्रश्न जिसे हम कहते हैं, जिसे आप कठिन प्रश्न की संज्ञा देते हैं, वह प्रश्न है। क्योंकि 110 तक पहुंचने के लिए लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं। अब हिंदी वगैरह प्रश्न ऐसे हैं जो सभी अभ्यर्थी कर लिए, मैथ के, रीजनिंग के, मान लीजिए 5 प्रश्न लोगों ने और कर लिए, 115 प्रश्न हमने तैयार कर लिए। तो जो कटाव बनेगी, वो जो कटाव बनती है ऊपर से बनती है, ऊपर से जो अच्छे मार्क्स होते हैं, तो ऊपर से अच्छे मार्क्स का मतलब अगर 115 कटाव आई तो 115 से ज्यादा करेगा वही सफल होगा। अब 115 से प्लस जाने के लिए क्या करना होगा? 115 प्लस जाने के लिए अब वही व्यक्ति कर पाएगा जिसकी तैयारी सुनियोजित ढंग से हुई होगी, वही 115 के प्लस जा पाता है। और जो क्रॉस किया वही प्रशासक है, जो इस पार रह गया वह क्या हो गया? वह कितना भी पढ़ा हो वह क्या होगा? कहीं ना कहीं अपने पहुंच से दूर। देखिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, जरूरी नहीं 115 बने, ये आंकड़े कम और ज्यादा दोनों सकते हैं, ये फैक्ट आंकड़े नहीं है, ये कम और ज्यादा हो सकते हैं। मैं अपना एक अपना व्यू दे रहा हूं। तो ये अर्जित कहां से किए जाए? हमें 115 प्लस पहुंचने के लिए, 120 प्लस पहुंचने के लिए और किन किन किताबों का सहारा लेना पड़ेगा? अभी गणित भी आएगा, 20 गणित और इंजीनियरिंग मिला के 10 नंबर 15 नंबर में, वो भी लगभग आपके जुड़ जाएंगे, प्रश्न इजी पूछे जाते हैं गणित के। तो अब आगे आते हैं, अब इनकी तैयारी हमें कहां से करनी है? तो सबसे पहले आते हैं हम 70 नंबर पे चर्चा करते हैं, ये 70 नंबर कहां से हमें मिलेंगे? तो ये जो 70 नंबर होते हैं, यह आप पहले तो सबसे पहले जितनी भी एनसीईआरटी या एससीईआरटी मान लेते हैं, वे सभी किताबें 6 से लेकर 12 तक एक बार आपकी रिवीजन पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या ज्यादा पढ़नी है 6 से 12 तक के एनसीईआरटी या एससीईआरटी में? ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपको हिस्ट्री जियोग्राफी ये कक्षा 6, 7, 8 की आप भी पढ़ लेंगे। फिर ऊपर जाते हैं सोशल स्टडी हो जाता है यही फिर यहां पे आएंगे, अच्छा यहां साइंस भी होता है, हिस्ट्री जियोग्राफी और साइंस आपने पढ़ लिया पूरा, मैथमेटिक्स भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 9th 10th में जाते हैं हम लोग, तो जनरल स्टडी हो जाता है, तो वहां पे आपको और इकोनॉमी और पॉलिटी भी मिल जाती है, वो भी पढ़ते चलिए। फिर इंटर तक के अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप 70 प्लस से आसानी से हो पाएंगे। फिर जनगणना, ये हो गया जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, एक बार आपने सामान्य अध्ययन पढ़ लिया पूरा 6 से 8 तक, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र जिसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस जो अलग है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है संविधान, वो आपका हो जाएगा। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैडुअल पहले एशियन पढ़ेंगे, मैडुअल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, वो तीनों हिस्ट्री। ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड इंडियन दोनों ज्योग्राफी आप पढ़ लेंगे। फिर साइंस भी पढ़ेंगे, साइंस में तीनों पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लेंगे तीनों, क्योंकि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन है। फिर अब आता है जनगणना भी पढ़ेंगे आप, जनगणना से भी अगर पिछली समीक्षा अधिकारी की बात करें तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जनगणना से आए थे, तो जनगणना हो गया। फिर जनगणना के अलावा पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते प्रश्न, फिर हो गया आपका पर्यावरण, एनवायरमेंट, पर्यावरण हो गया आपका। फिर पर्यावरण के बाद और क्या पढ़ना है? देखिए ये फैक्ट प्रश्न है, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, पर्यावरण हो गया आपका। पर्यावरण के साथ साथ यह आपके 70 नंबर के लगभग ऐसे प्रश्न तैयार हैं जहां से आप 70 ज्यादा प्लस कर सकते हैं, इतना अगर आपने तैयार किया। उसके बाद एक बार इसको पढ़ने के बाद अब आती है रिविजन करने की बारी। रिविजन कहां से करें? क्योंकि आपके पास समय लगभग 4-5 मंथ का मिलेगा। अब रिविजन करने के लिए आपको हम बता दें क्या कौन सी बुक बेहतर आपके लिए पड़ेगी। ये एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद, ये मैं अपना खुद का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरा पीटी कभी नहीं रुका है, जब जब मैंने दिया है। तो अब
प्रश्न उठता है कि कहां से रिवीजन करें, उसके लिए आप घटना चक्र की किताबें ले लीजिए। वो ऑब्जेक्टिव होती हैं और वह भी आपका दो काम करेंगी। मैं बता रहा हूं क्या क्या काम करेंगी। इसमें से आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और इकोनॉमी। ये पांच सब्जेक्ट आप घटना चक्र के ले लीजिएगा, ये नए संस्करण पर आप ले लीजिएगा। इकोनॉमिक्स घटना चक्र, इकोनॉमिक्स पतली सी है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पतली, ये दोनों किताबें पतली, घटना चक्र की पतली है। अभी मैं बताऊं इसमें क्या क्या चीजें और मिलेंगी। तो आपने इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा है वह जितने भी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, पीसीएस के स्तर के, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अन्य भर्ती परीक्षाओं जो पूछे गए हैं, वहां से प्रश्न दिए गए, उनके व्याख्यात्मक हल भी दिए गए हैं। इससे दो फायदा होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि प्रश्न आयोग कैसे घुमा के पूछता है। फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये दोनों मोटे हैं, जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों मोटे हैं, साइंस भी मोटा ही है। ये तीन किताबें थोड़ी पेज संख्या इनकी ज्यादा है और इनकी पेज संख्या दोनों की कम है। इतना आप पहले तैयार कर लेंगे, पहला काम रिवीजन, जितना पढ़ते चलेंगे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके लिए लंबा समय लगेगा। साथ ही साथ ये आपका कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो प्रश्न रिपीट करता है वह आपको मिल जाएगा बार बार, जो प्रश्न रिवीजन करता है या जो पिछले परीक्षा प्रश्न पूछ लिए हैं उन्हें आपको रिपीट करना है तो आपका काम कर जाएगा। क्यों, हमने देखा था ना 70 नंबर प्लस 20 नंबर जो क्वेश्चन हर साल आयोग वही दोहरा के पूछता है, तो आपके 90 नंबर यहाँ से तैयार हो गए। फिर आपका टॉपिक पढ़ना है जनगणना, वो मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में, जनगणना आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में आपको जनगणना मिल जाएगा, और भारत का जनगणना और उत्तर प्रदेश जनगणना, फिर उसके सापेक्ष आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न आजकल थोड़ा सा घुमा के पूछता है, प्रश्न इजी रहते थोड़ा सा घुमा के ही पूछता, उसको आप लोग तैयार कर लेंगे, बाकी के लिए मैं भी हूं। अब आते हैं करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, पढ़े भी होंगे, तो डेली के लोग करंट अफेयर तैयार करते हैं। अभी डेली का तैयार मत करिए, आप सबसे पहले डेली का पेपर पढ़ना शुरू करिए। क्यों, क्योंकि अगर इसको मेंस भी करेंगे, मुख्य परीक्षा करेंगे, वहां आपके लिए निबंध आएगा। तो निबंध कैसे लिखा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे लिखने का अनुभव रहा है, हो सकता है मैं सफल हूं, हो सकता है जानकारी कम हो, आप कह सकते हैं इस बारे में। तो निबंध लिखने की शैली कहां से आएगी, शब्द कहां से आएंगे, क्योंकि मेंस में हिंदी भी होगी, जानते रहिएगा, हिंदी और निबंध दोनों मस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट जो रहेंगे, अगर मेंस परीक्षा होगी जरूर रहेंगे। तो शब्दावली अब कहां से मिलेगी, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर दो तरह के पढ़िए, एक अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं साथ में सहारा पढ़िए, अगर दैनिक पढ़ रहे हैं तो सहारा पढ़िए, जनसत्ता पढ़ रहे हैं तो हिंदुस्तान पढ़िए। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बना के पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसी समय इसके साथ साथ आप पीसीएस की भी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि पीसीएस भी उसी के एक दो महीने के पीछे होगा। ये आप कितना पहले तैयार कर लिया आपने, उसके बाद मैं या मेरे चैनल द्वारा जनवरी से लेकर परीक्षा की 15 दिन पहले तक मैं महत्वपूर्ण प्रश्न अखबार से बनाऊंगा, अखबार न्यूज़पेपर से बना के उन प्रश्नों का संग्रह आपको दे दूंगा, डिस्क्राइब करके आपको मैं समझा दूंगा ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जिनका अखबार में लगातार थे। तो यहां से भी आप लगभग अगर करंट अफेयर डेली अगर आप इस हिसाब से तैयार करेंगे तो आप 15 नंबर और अर्जित कर पाएंगे 20 नंबर, 20 नंबर कम से कम आप 20 नंबर और ला पाएंगे। ये डेली न्यूज़पेपर मिलेंगे कहां से, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, पूरा पढ़िए, पेपर पढ़ा कैसे जाता है मैं एक दिन आपको बता दूंगा, अखबार को कैसे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, ठीक। तो ये आप इतना तैयार कर लिए, 70 20 90 20, आप 110 पर पहुंच गए हैं। इतना तैयार करने के बाद फिर इसमें एक आता है एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान, वह कक्षा 6-7-8 किताबें आप पढ़ लेंगे तो वहां से आपको मिल जाएंगी। यहां से भी 4-5 प्रश्न आते हैं आपके, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो ये भी मान लेते हैं आपके 5 नंबर ये भी आपके बन गए। फिर गणित और रीजनिंग मिला के 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये भी मान लेते हैं आप यहाँ पे भी आप 10 करते हैं, आप यहाँ पे 10 कर पाते हैं। फिर इसके बाद इसमें रीजनिंग हो गया, अब एक चीज छोटा हिंदी, अगर हिंदी भी पूछता है 10 से 20, तो क्योंकि हिंदी लगभग सब सही करते हैं, तो मैंने माना आपने हिंदी भी 10 किया, तो कुल कितने हो गए, 70 20 90 20 110, 115 125 और 135, 10 10 20 20 40 20 60, हाँ तो ये हो गए हमारे 135। हो सकता है प्रश्नों को हल करते समय हम इसमें कुछ प्रश्न गलत कर जाएं, क्योंकि हो सकता है नकारात्मक अंक के भी प्रावधान किए जाए इस बार, अगर नकारात्मक अंक रखे जाते हैं तो माना
कि अगर आपने 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 अगर आपने 9 प्रश्न गलत किए तो 9 प्रश्न वो प्लस 3 प्रश्न और, तो 9 × 3 12 प्रश्न आपके कम हो जाएंगे, तो आप माइनस 12 कर गए, अब कितने हुए आपके 122। लगभग आप अपने आप को सेफ जोन में रख पाएंगे। अगर मुख्य परीक्षा होती है तो आपके पास मुख्य परीक्षा के दावेदारी बेहतर होगी, अगर मुख्य परीक्षा नहीं होती तो भी इस रेस के लिए आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर या अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो अब हम लोग को एक बार फिर से समझना है ये सभी किन किन किताबों से मिलेंगे। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले आपको 6 से इंटर तक की एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि 6, 7, 8 पढ़ने के बाद जब 9, 10, 11 पढ़ते हैं, 11, 12 तो वही चीजें थोड़ी बड़ी मिलती है, पहले थोड़ा छोटे में होता है फिर वो चीजें बड़ी मिल जाती हैं। 6 से 8 तक के बाद जब 9 से 12 पढ़ते हैं तो कुछ नए विषय मिलते हैं, जैसे राज्य व्यवस्था अच्छे से मिल जाता है, इकोनॉमी मिल जाती है और हिस्ट्री के साथ साथ संविधान आपको मिल जाता है, तो ये चीजें आपको और ज्यादा मिल जाती हैं ये 9 और 10 में। इंटर में जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी और बेहतर हो जाती हैं, जो परीक्षा में आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहां से आपको क्या होगा, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन 5 विषयों की आपको घटना चक्र लेना है, क्या लेना है, इन 5 विषयों के आपको घटना चक्र लेना है, क्या क्या, इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पतले पतले आप 3-3 दिन में 4 दिन में खत्म कर देंगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री और साइंस इनके भी आपको लेने हैं घटना चक्र। उसके बाद इतना आप तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा से 10-15 दिन अगर आपको समय मिलता है या प्रतिदिन अगर आपके पास 1 घंटे का समय हो तो प्रीवियस ईयर या पिछले वर्षों का पेपर आप ले लीजिएगा, अपर और लोअर दोनों का पीटी का ले लीजिएगा, और उस पेपर को एक पेपर डेली सॉल्व करके तब सोइएगा। जब एक पेपर डेली सॉल्व करके सोएंगे तो 2 चीजें होंगी, यह पढ़ा हुआ आपका रिपीट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, और प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, कैसे आयोग घुमा के प्रश्न पूछता है, और आपको अपनी कमियों का मूल्यांकन होगा। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको उसका अधिकाधिक लाभ मिलेगा, जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो क्वेश्चन को आपको लगाने में समय नहीं जाता, आप तुरंत आप क्या होता है जैसे आपने उत्तर पढ़ा है, और इसका तो यही विकल्प सही होगा। इस पर आप अगर इस तरह से करेंगे तो आप जरूर आप मेहनत के बल पे आप जो यह वैकेंसी आपके सामने इसमें आप एक पद अपना निश्चित कर सकते हैं, और सफल होने के लिए केवल एक पद ही चाहिए। रही बात आप मुझ पर भी कटाक्ष कर सकते हैं, आप क्यों नहीं है, आप भी तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए हर व्यक्ति के अंदर कमी होती है, मेरे अंदर भी कमी हो, कुछ सब्जेक्ट मेरे अपने हैं जिन्हें बार बार मैं पढ़ने की इच्छुक रहता हूं, और इस समय थोड़ी सी जिम्मेदारियों की बोझ इतनी ज्यादा होती है कि जिसे आप 8 घंटे समय निकाल पाते, अगर मैं 8 घंटे निकाल पाता तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इस बार मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने लिए भी समय निकाल कर पढ़ सकूं, और लेकिन प्रेशर यह है कि मुझे आपको भी पढ़ाना है और आपको भी गाइड करना है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज्योग्राफी पूरा पूरा ज्योग्राफी संभवतः कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स भी, कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक, ज्योग्राफी तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तो इसमें से ज्योग्राफी में प्रॉपर पूरा पढ़ाऊंगा, साइंस में फिजिक्स का पैटर्न में पढ़ा दूंगा फिजिक्स का पूरा, और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अगर एक सर है अगर उससे बात हो जाती है अगर वो पढ़ाएंगे तो मैं इको पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन। करंट अफेयर के लिए मैं आपको पूरी नोट्स उपलब्ध करा दूंगा और पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, 15-15 दिन का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे 1-1 घंटे में, 15-15 दिन का, तो इस तरह से पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आपको बता देंगे न्यूज पेपर कैसे पढ़ना है, और जो मेरी क्लासेज रहेंगी वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी, आपको मैं ज्योग्राफी की जो पढ़ाऊंगा मैं पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट जीएस के लिए दूंगा और वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, मुझे आपसे कोई चार्ज नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और सब जो सर पढ़ाएंगे उनके लिए भी आप उनसे जुड़कर पढ़ना चाहेंगे आप उन्हें उनका पेमेंट करना होगा, मेरी क्लासेज आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेंगी, मैं पूरी तरह आपको मैं अपनी सेवाएं आपको पूरी तरह निःशुल्क में देता रहूंगा, और मैं प्रयास करूंगा 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और इस बात को जब तक आप नहीं कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट आप बेहतर पढ़ा लेते हैं तभी मैं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में आएगा एक टीचर कई सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, लाजिमी ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आना, और एक टीचर दो एक एक से अधिक विषय कैसे पढ़ा सकता है, सही बात है, हाँ ऑप्शनल मेरा एक था लेकिन जनरल स्टडी में मैंने सारे सब्जेक्ट को पढ़े हैं, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पसंदीदा हो जाते हैं जिसे बार बार पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, उसी तरह मेरे अंदर भी है, इकोनॉमी जियो इको और कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, मतलब इसे पसंदीदा सब्जेक्ट कहते हैं, और गणित भी, और साइंस में गणित और फिजिक्स ये ऐसे है पैटर्न है कि जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने प्रश्न है वो पढ़ने के लिए मुझे बहुत पसंद है, मैं सबसे ज्यादा इन्हें पढ़ता हूँ। रही बात योग अयोग की, तो योग अयोग की परिभाषा
कि वो अब मुझसे बेहतर आप कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इतनी चीजें अगर आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं तो जरूर आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि घटना चक्र से जो ये जीएस के पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के, इसमें से प्रतिवर्ष ज्यादा से ज्यादा प्रश्न फंसते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस किताबों को एक बार आप जरूर जरूर 1 से 2 बार खत्म कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा खत्म करेंगे जितनी बार उतना आप अपने आप में ग्रोथ होंगे, और कभी नहीं हो सकता इस वैकेंसी में अगर 1-2 नंबर चुकते हैं तो अगली बार आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इसी के जस्ट बाद पीसीएस परीक्षा होनी है, तो लोअर पीसीएस पीसीएस में थोड़ा सा अंतर होता है, और अंतर क्योंकि प्रश्न जो पूछने का तरीका होता है, कहां से प्रश्न पूछेंगे ये हमें नहीं पता होता, इसलिए हम अपने तरफ से यह मानते हैं लगभग दोनों एक होंगे, लेकिन दोनों एक नहीं होते। इसके प्रश्न उनसे थोड़े से निचले स्तर के होते हैं, लेकिन प्रश्न आजकल इतना घुमा के पूछ देते हैं कि स्तर का कोई पता नहीं चलता, हमें अपना स्तर समझ में आता हम अपने किस स्तर पर हैं। तो मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सफल हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएससी की जिन्हें आईएएस के ऑर्डर भी मिले हैं, तो मैं अपने सभी साथियों को बुलाकर एक एक दिन आपसे प्रयास करूंगा कि उनसे भी 1 से 2 दिन आपकी क्लासे में लगवा दूं, और हमारे रूम पार्टनर जो रहे हैं वो भी सेलेक्ट हो गए हैं, और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी तरह ज्यादातर लोग के सब्जेक्ट ऑप्शनल जियोग्राफी है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी देखा जाए तो सबके ऑप्शनल जियोग्राफी है, और एक इकोनॉमी वाले भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन वाले, मतलब जो मेरे सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग डिबेट भी होते रहते हैं, तो मैं फिर बताऊंगा डिबेट क्यों किए जाते हैं और डिबेट करना जरूरी है कि नहीं, ये सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे दिन प्रतिदिन। लेकिन अभी मेरी सांस पूरी तरह से कुशल न होने की वजह से मैं ये क्लासेज 1 से 2 दिन के अंतराल पर शुरू करूंगा, और जब शुरू करूंगा तो खत्म आपके चयन के बाद ही करूंगा, लेकिन आप लोग भी इन सभी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना स्वयं आपको ही है, कोई कोचिंग संस्थान है कोई व्यक्ति विशेष आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, जब भी सिलेक्शन मिलेगा आपको अपने आप से मिलेगा, आपकी स्वयं पढ़ाई पढ़ी हुई चीजों से, अपने स्वयं से अर्जित किए हुए ज्ञान से, क्योंकि यदि किसी टीचर की पढ़ाई सफल होते तो अगर उसके क्लास में 100 बच्चे होते 100 सफल होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वास्तविकता यह है सफल अपने व्यक्ति अपने मेहनत से होता है, बस अध्यापक काम होता है गाइडेंस करना, एक रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलना, बाकी सारी मेहनत आपको करना है, मैं आपके साथ हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी आप मुझे पुकारिएगा, मैं आपके साथ रहूंगा, आप बस मेहनत करिए, आप साथ दीजिए और परिणाम तो हम लोग मेल कर देंगे। इसलिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं, आप सभी साथी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ लग जाइए, ये सोचिए ये आपके लाइफ की अंतिम वैकेंसी है, ये सोच के पढ़िए, और परीक्षा हमारा अगले सोमवार को है, यही सोच के पढ़ेंगे तो आप बेहतर पढ़ पाएंगे और कुछ बेहतर कर पाएंगे, और मुझे ये उम्मीद है, मुझे पूरा आप पे भरोसा है कि अगर आप चाहेंगे तो आप कायनात बदल लेंगे, और आपके अंदर वो प्रतिभा है वो लगन है आपके अंदर, अगर आप चाहेंगे तो बेहतर, क्योंकि ये पद आपके लिए बना है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप भी इसमें प्रतिभागी करिए और हिस्सा लीजिए, और इस प्रतियोगिता में केवल हिस्सा लेना नहीं है, इस हिस्से के साथ साथ एक पद भी आपका बनता है, इसलिए यह दावेदारी अपना मान के चलिएगा कि आपका एक पद इसमें फिक्स है, बस उस पर मोहर लगनी है, और मोहर आपकी मेहनत सही दिशा, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद ऊपर वाले के ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय है वो आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके लगन के ऊपर है, इसलिए आप जिंदगी के अगर प्रतिदिन अपने 8 घंटे देंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इस बार ऑफिसर जरूर बन पाएंगे, आपके नाम के आगे ऑफिसर का टैग लग जाएगा, बेशक आपका चयन लोअर पीसीएस में क्यों ना हो, किंतु आपके पास वो टैग लग जाएगा तो स्वयं से एक अभिप्रेरणा जागृत हो जाती है, एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, जो आगे कुछ करने के लिए कुछ बेहतर करने के लिए आपको प्रभावित करेगा, और आप अपना और आगे वाले समाज के सबके लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे, माने आप उन समाज का वह हिस्सा बनेंगे जहां से लोगों को खड़े होकर आप मेरी तरह मोटिवेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके नजर में मैं असफल अयोग्य हूं, लेकिन आप मेरे नजर में एक सफल है, और आपके अंदर झलक दिख रही है, और आप जरूर सफल होंगे। सफलता के लिए बस कड़ी मेहनत, लगन, समय प्रबंधन, सही दिशा, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आप अर्जित कर लीजिए और सफलता झकमार के आगे पास आएगी, और आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो बस इसी के साथ आप सब लग जाइए और न्यूज़पेपर कल से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, तब तक आप 1-2 दिन पढ़ लीजिए, फिर हम बताते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजें उसमें से महत्वपूर्ण लिखी जाती हैं कॉपी में, उसे डेली नोट डाउन करिए, मेरे साथ शेयर करिए, ताकि हम भी आपके द्वारा बनाए गए नोट से लाभान्वित हो सके। हो सकता है आप मुझसे बेहतर नोट्स लिखते हो, और ये जरूरी है कि आप मुझसे बेहतर लिखते होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, आप भी अपने आप में यूनिक है, कोई चीज ऐसी आप में है जो औरों से भिन्न है, तो आप भी सबसे बेस्ट और बेहतर है। भगवान करे आप सब सफल हो, और अपने समाज का और इस देश का दोनों का कल्याण हो, और भारत विश्वगुरु बनने का सपना जो देख रहा है वो जल्दी सुलझेगा, आप जैसे योद्धाएं जब इस मैदान में होंगे। तो बस बहुत होगी बातें, अब इस बातों को वास्तविकता में जल्दी से जल्दी प्रकट करना है, उजागर करना है, ताकि आपकी जो सोच, जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, वह
प्रत्यक्ष रूप में या एक प्रमाण प्रमाण के साथ साथ एक परिणाम के रूप में यह जो है वह दिख जाए और परिणाम बेहतर हो, इसकी हम दुआ करते हैं। बस आप मेहनत करिएगा और आपके साथ आपका पूरा परिवार भी है। और अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है मैं आपके साथ हूँ। और एक बात, किसी प्रकार की समस्या आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप सब नोट्स तैयार करिएगा, नोट्स के लिए आप A4 साइज की पेपर या व्हाइट पेज की कॉपी ले लीजिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए नोट्स तैयार करना शुरू कर दूंगा और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं हो सकता है आपके लिए बेहतर कुछ कर सकूं। शायद मेरे मैं अपने हिसाब से जिंदगी का बेस्ट दूंगा, हो सकता है आपके लिए कैसा है मैं नहीं कह सकता। फिर भी आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।